कि ये वाला गाइस, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं पेड़ क्यों लेकर बैठी हूँ, वो भी एलोवेरा जेल का। तो आप इससे तो आप समझ गए होंगे कि मैं एलोवेरा जेल के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो मैं बस आपको आज इसके ना बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगी। एक्चुअली क्या है कि एलोवेरा जेल के जितने फायदे हम सबने सुने हैं कि बहुत फायदे करते हैं स्किन में, एंटी एजिंग, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, और अगर आप कहीं आपके जल गए हो, कुछ घाव हो गया है, या बालों में को स्मूथ बनाने के लिए, नरिश करने के लिए, और इस तरीके के एज अ कंडीशनर बालों में, तो इस तरीके के मल्टीपल यूजेस के लिए एलोवेरा जेल तो मतलब लोग का फेवरेट होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा जब नेचुरल ही लोग यूज़ करते हैं तो मैं भी क्यों ना नेचुरल यूज़ करूँ। तो मैं बी वॉर नेचुरल पे आ गई और मैंने इसका ये वाला प्रोडक्ट पिक किया बिकॉज ऑफ इसकी पैकेजिंग का ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, जिसकी वजह से मैंने इसे परचेज किया। ये बिल्कुल मेरा जेन्युइन रिव्यू है एलोवेरा जेल को लेकर। मैं इसके यूजेस बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हो। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये तो। और जब मैं ये लेकर आई तो जैसे एलोवेरा जेल वाइट उसका टेक्सचर होता है ना, कलर नहीं होता, जैसे पतंजलि वाला ग्रीन निकलता है उसमें उन्होंने कलर डाल रखा है, तो इस वाले एलोवेरा जेल का भी जो कलर टेक्सचर है वो भी बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल आपको नेचुरल ही फील होगा। तो वाओ के साथ एक चीज़ और ये भी बहुत अच्छी कि ये ना कि स्कैन कोड लगा देते हैं यहाँ पे, इस वाले स्कैन कोड से, इस वाले कोड को ना स्कैन करके फ़ोन से इसकी ऑथेंटिसिटी, जो भी इसमें मिले हुए हैं इसके बेनिफिट्स और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कैसे वर्क करता है, वो सारा प्रोसेस इसमें दिया होता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अगर किसी को बहुत ज़्यादा है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और इसमें ये देते भी है कि 99% प्योर एलोवेरा, जो कि मुझे भी पर्सनली लगा। वेल, इस वीडियो में एलोवेरा जेल को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। ज़्यादा एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है, स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट फील नहीं होती आपको। और समटाइम्स मैं बहुत जल्दी रश में होती हूँ तो मैं जब मेकअप अप्लाई करती हूँ तो मैं एज अ प्राइमर जब इसको यूज़ करती हूँ तो मैं उसको अपने हैंड में भी एज अ मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, एज अ प्राइमर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा ही क्वान्टिटी में इसको लेना है और बस कुछ नहीं करना है, अपने हाथ में लगा के अपने स्किन में अच्छे से इसको ऐसे करके लगा लेना है। ये एज अ प्राइमर बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसके बाद आपने ऐसे लगा लिया, इसके बाद आप इसमें अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो एज अ मॉइस्चराइजर भी इसको यूज़ कर सकते हो। एज अ मॉइस्चराइजर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने इसको हैंड में लिया और मैं उसको नॉर्मली जैसे हम लोग एज अ बॉडी लोशन या समथिंग कुछ यूज़ करते हैं, तो मैं इसको ऐसे हैंड में भी लगा लेती हूँ। मैं इसको बालों में भी यूज़ करती हूँ क्योंकि बालों के लिए ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ये, बिकॉज ये बालों को नरिश तो करता है ये, साथ में ही ना सॉफ्ट बना देता है। जो स्कैल्प में जिनको थोड़ा ड्राई स्कैल्प का इशू है, जैसे विंटर्स में अक्सर हो जाता है लोगों को ना ड्राई स्कैल्प होने के चक्कर में समटाइम्स डैंड्रफ वाला लग जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बालों में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको हाथ लो ऐसे, और आप चाहो तो इस तरह से हाथ में ले लो, आप चाहो तो ना डायरेक्ट मिरर में देख के ऐसे अपने स्कैल्प में इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने अपने बाल अभी ऐसे दो पार्ट में कर लिए और आपको दिख रहा होगा एज अ स्कैल्प में मैंने इसको ऐसे करके ये इस तरीके से मैंने अपने बालों में लगा लिया है। इस तरीके से हमें पूरे बालों में लगाना होता है। और बट ये आप ध्यान रखना कि जब आप अपने स्कैल्प में इसको लगाओगे तो उसके आधे घंटे बाद आप अपना हेयर वॉश कर लेना, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है क्योंकि आप सारे टाइम भी चाहो तो आप लगा सकते हो, बट एक से एक घंटा, आधा घंटा या दो तीन घंटे आप इसको अपने स्कैल्प में अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रख लेना कि आपको प्रॉब्लम इरिटेशन ना फील हो। तो इस तरीके से आप बालों में भी अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, बहुत सारे लोगों को बालों में नीचे प्रॉब्लम हो जाता है कि उनके बाल जो होते हैं वो दो मुड़े हो जाते हैं, तो जब आप स्कैल्प में बहुत अच्छे से लगाते हो उसके बाद ही आप क्या करो, इस तरीके से आपने बाल ले लिया हाथ में, ठीक है, और उसके बाद आप क्या, इस तरीके से आप अपने बालों में ऐसा करके लगा लो। अब तो इससे क्या होगा, जो बालों के नीचे दो मुए वाले इश्यूज हो जाते हैं वो नहीं होते हैं, और बाल ये बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट बना देता है। और आप
मैं एक तरीके से और भी यूज़ करती हूँ, आप उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। जब आप एक बार हेयर वॉश आपने इसको लगाया, ओके, फिर आपने हेयर वॉश किया और उसके बाद आपने शैम्पू से अपने बाल धुल लिए, उसके बाद क्या करना है, जब हम लोग सेकेंड टाइम शैम्पू यूज़ करते हैं ना, एक बार तो हमने शैम्पू लगाया, देन हमने वॉश किया, फिर हम सेकेंड टाइम थोड़ी क्वान्टिटी में शैम्पू लेते हैं, फिर हम वॉश करते हैं, तो उस जगह आप क्या करो कि जब आप शैम्पू लेते हो ना अपना, तो उस शैम्पू की जितनी क्वांटिटी है उससे हाफ क्वांटिटी में आप एलोवेरा जेल को लो, उसमें से थोड़ा सा हनी उसको मिला के हम मिक्स कर लें, और जब हेयर वॉश के बाद जैसे हम एज अ कंडीशनर लगाते हैं, तो इस मिक्सचर को हम एज अ कंडीशनर अपने बालों में ऐसे ऐसे लगा के, पूरे बालों में अच्छे से लगा के, और उसको हमें 3 से 4 मिनट छोड़ दें। उसके बाद जब अपना हेयर वॉश करोगे गाइस, सीरियसली मैं बिल्कुल ये ऑनेस्ट बता रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है आपको, इतने सॉफ्ट बाल लगते हैं। इवन पता है अभी एक और भी तरीके से कर सकते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, राइट, तो उसको जब समटाइम्स हम बहुत रश में होते हैं और हमें कहीं जाना है और हमें रेज़र यूज़ करना है, हम नहीं वैक्सिंग करा पा रहे हैं या हमें लग रहा है कि हमें रेज़र यूज़ करना है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम इसको अपने स्किन में लगाएंगे और नॉर्मली ऐसे करके हमने अपने इसको स्किन में लगाया, जैसे कि सपोज मुझे ये वाला अपना पार्ट करना है, तो मैंने इस तरीके से उसको लगा लिया, इस तरीके से ये ऐसा करके हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा लेके इस तरीके से, और उसके बाद हम रेज़र को सिंपल से ऐसे ऐसे करके चला लेंगे, तो वो इतना सॉफ्ट हो जाता है ना कि बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो आप बहुत जब जल्दी में रश में हो और आपको रेज़र यूज़ करना हो तो एलोवेरा जेल इज बेस्ट, आप उसको लगाओ, उसके बाद रेज़र करो, फटाक से आपका जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज हैं, इसको आप एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, तो एज अ फेस पैक में आपने जैसे कि बेसन लिया, ठीक है, एक चुटकी हल्दी, 1 चम्मच बेसन और 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल एंड 1/2 टीस्पून रॉ मिल्क, ये लिया और हमने मिक्स किया और मिक्स करके हमने फटाफट फेस में लगाया, और हमने 10-15 मिनट्स बाद जब हमारा फेस पैक अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हमें वॉश कर लेना है। तो इससे डिफरेंट तरीके के फेस पैक में भी हम इस एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। ये तो थे मेरे एलोवेरा जेल के मल्टीपल यूजेस जो मेरा मतलब रेगुलर बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ। इसको और भी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आप अगर मेरा कोई भी तरीका फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको उतना फ़ायदेमंद लगा या नहीं। चलिए आप तब तक के लिए हम अपना ख्याल रखना, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, बाय, बी मोर नेचुरली।